अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक हैं। तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में प्रॉन मसाला कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ ये डिश आपको पसंद आएगा। और अब हम चलते हैं, देख लेते हैं अपने इंग्रेडिएंट को। प्रॉन्स कढ़ाई बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं। 4 अदद टमाटर है, उसको मैंने चॉप कर लिए हैं बारीक बारीक। 2 मीडियम साइज़ प्याज है, उसको भी मैंने बारीक चॉप किया है। ये अदरक लहसुन कुछ उसको मैंने वो किया, क्रश्ड किया है। एक पूरा लहसुन का मोटा वाला था उसको, और 1.5 इंच के अदरक का पीस था उसको मैंने क्रश कर लिया है दोनों को। और इसके साथ ये झींगे हैं, झींगे मैंने छोटे वाले लिए बिकॉज़ ये मैं प्रॉन्स कढ़ाई बना रही हूँ, तो इसके अंदर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है छोटे झींगों को, इसका फ्लेवर आता है प्रॉन्स का, एक्चुअल जो फ्लेवर होता है। तो मैंने छोटे हमेशा लेती हूँ प्रॉन्स कढ़ाई के लिए, वरना बड़े वाले हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसके लिए मैंने छोटे लिए हैं। तो ये मैंने 2 किलो लिए थे, और इसको मैंने साफ़ करने के बाद ये कम से कम 1.25 किलो के करीब है। और इसको मैंने अच्छे से धो के इसका पीछे जो एक रग निकालनी पड़ती है वो भी मैंने निकाल लिया है। और इसको हल्दी, नींबू और थोड़ा सा नमक लगा के इसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, 1/2 घंटे के लिए। तो इसको भी मैं इस्तेमाल करूँगी। और मैं जो शेज़वान का सॉस बनाया था मैंने, इसको भी मैं डिपेंड होता है, मैं चेक करूँगी कितना मुझे इस्तेमाल करना है। वैसे 1 टीस्पून तो मैं जाएगा ही जाएगा। उसके साथ मसाले में मैंने ले लिए हैं गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पेपरिका है ये 1 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ लाल मिर्च है, धनिया 1 टेबल स्पून है, नमक है 1/2 से 1/2 लें बिकॉज ये इसके अंदर शेज़वान सॉस में भी नमक होता है। और काली मिर्च जो है वो सिर्फ डैश है, मतलब बिल्कुल चुटकी भर है, ज़्यादा नहीं डालना। और उसके साथ मैंने ऑयल ले लिया 1 कप, इसको मैं फ्राई करूँगी, प्रॉन्स को फ्राई करके निकालूँगी और फिर उसी ऑयल में मैं ये सारे मसाले बनाऊँगी, प्रोसेस करूँगी। बघार के लिए ज़ीरा है, 2 अदद लौंग मैंने इसमें ऐड किया है, ये देखिए 2 लौंग है, और इसके साथ 2 तेज़पत्ता छोटे वाले वो ले लिए मैंने। और ये कसूरी मेथी है, मैंने 1 टीस्पून, वैसे तो उसको मैंने भून के रख दिया, डिपेंड होता है मैं कितना डालती हूँ, 1/2 शायद डालूँ खुशबू के लिए। और ये 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने उसमें क्या कहते हैं, जब मैं कंप्लीट रेडी कर लूँगी तो फिर उसके लिए मैं डालूँगी इसको, ठीक है। तो डिस्प्ले पे मैं इसको यूज़ करूँगी बाद में। अच्छा, जिसमें 2 हरी मिर्चें भी मैंने चॉप करके डालनी है। तो चले अभी हम आपको दिखा देते हैं अपना ये इंग्रेडिएंट, आप देख लें ये सारा। और देख लीजिए, प्रॉन्स कढ़ाई बना रही हूँ मैं, प्रॉन कढ़ाई मसाला, और बहुत मज़े का बनता है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, मैंने ऑयल डाल दिया है चूल्हा जला के, ये गर्म हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर प्रॉन्स ऐड कर रही हूँ। तो हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये पक जाएंगे। हल्का सा बस फ्राई करके उसको निकाल देना है, और फिर इसी पानी में मैं कढ़ाई बनाऊंगी, इसी ऑयल में, सॉरी, तब पानी खुश्क हो जाएगा। अभी सब डाल दी थी ताकि सारे साथ खुश्क हो जाए और जल्दी बना पाए। 1/2 घंटे में बन जाता है, बहुत गर्म पकता है।
अच्छू देखो मैं टेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने नमक कम रखा है क्योंकि इसमें भी मैंने नमक ऐड किया हुआ है तो ज़्यादा ना हो जाए इसकी वजह से। तकरीबन पानी भी सूख गया है और ये देखें फ्राई भी हो गया है, इसको मैं निकाल रही हूँ अभी। जी तो अब हम इसमें डालने लगे हैं ये खड़ा मसाला तो मैंने निकाला है, जीरा है एक टीस्पून, दो लौंग है और तेज़पत्ता दो अदर। थोड़ा तो फ्राई करूँगी, जीरा आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ऐसे भी प्रॉन थोड़ा हैवी होता है तो इसके अंदर जीरा अदरक लहसुन जितना आप डालें बहुत है। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, फ्राई करके थोड़ा सा लाल नहीं करना है, बस पिंक रखना है। ये जैसा थोड़ा पिंक हो जाएगा तो थोड़ा नरम भी होगा और थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तो मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डाल दूँगी और उसके बाद टमाटर और सारे मसाले। मैंने इंग्रेडिएंट में आपको दही नहीं बताई, 4 टेबलस्पून दही है जो घर की बनी हुई है तो उसको भी मैं ऐड करूँगी। ज़्यादा वो नहीं है, खट्टी नहीं है, मीडियम खटास है इसमें। और उसके साथ जब मेरा ये पूरा डन हो जाएगा तो मैं कोयले से इसको दम दूँगी मज़ीद, तो उसका फ्लेवर और मज़ेदार हो जाएगा। नहीं तो इसका कलर अभी चेंज हो गया है तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। इसमें इसके बाद मैं टमाटर ऐड करूँगी और मसाले। अब मैं दही और शेज़वान सॉस ऐड करूँगी। तो ये तकरीबन ऑयल देखिए कितने अच्छे से ऊपर आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्रॉन्स। प्रॉन्स भी फ्राई होके एकदम वो हो जाते हैं, प्रॉन्स को आपने ऐड करना है और इसको थोड़ा देर के लिए इसी में फ्राई होने देंगे मसाले में, और फिर कसूरी मेथी डाल देंगे और फिर डिश आउट कर देंगे। चलिए जी तो ये देखें हाथ ऑयल भी सारा आ गया ऊपर और मैंने बहुत अच्छे से इसको फ्राई भी कर लिया है, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश भी कर लिया है, भुना हुआ है ये करी कसूरी मेथी को भून के कम से कम 1 टीस्पून इसको मैं ऐड करूँगी, 1 टीस्पून है। उसके साथ मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब है, ये 1/2 टीस्पून मैंने पहले डाला था मसाले में और अब मैं डाल रही हूँ इसको 1 टीस्पून के करीब।
और इसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़े से अदरक, गार्निशिंग के लिए भी मुझे रखना है, और ये बुलेट हरी मिर्चें हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ, उसको गार्निशिंग में भी मैं ऐड करूँगी, और आधा इसके अंदर, आधे से ज़्यादा बल्कि मुझे हरा धनिया ऐड करूँगी बाकी गार्निशिंग के लिए। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मेरा ये तकरीबन रेडी है और इसके ऊपर अब मैं दूंगी दम कोयले का। गरम मसाला डाला है कि अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोयले का दम, इसको मैं ऐड कर रही हूँ, और तो अब मैं इसके अंदर इसको दम दे दूंगी। चलिए फिर डिश आउट करते हैं। जी, दम भी आ गया है, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको अब मैं निकाल दूंगी यहाँ से और डिश आउट कर रही हूँ मैं। एक ऑयल भी इतना अच्छा आया है, मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा फिर निकालने से पहले। ये कढ़ाई बहुत मज़े की, अगर मैं इसमें कड़ी पत्ता और टमाटर और सिरकी में अगर ये सारे मसाले पीसती तो ये हम मैं बना लेती बालचाओं, जो हमारा स्पेशल डिश होता है, वो भी मैं किसी दिन बनाने सिखाऊंगी। बट इसका फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही है, बहुत मज़े का है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको क्या बताऊँ उसकी क्या इसकी खुशबू है और क्या इसका एक अलग ही खुशबू है इसकी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये छोटे प्रॉन्स में बनाएंगे ना तो छोटे प्रॉन्स में टेस्ट बहुत होता है, और मैं कोशिश मेरी यही होती है कि इस तरह के डिशेस मैं छोटे प्रॉन्स में बनाऊं जो बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए जी, मैंने डिश आउट कर लिया है, मैं अभी ज़रा सा गार्निश कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैंने गार्निशिंग कर ली है और आपके सामने है। इतनी ज़बरदस्त मेन्यू आज बनी है, मेरे ख्याल से मेरे से तो फर्स्ट टाइम बनी है, इतना टेस्टी है ये। इसलिए पहले मैं शेज़वान नहीं डालती थी सॉस जो है, लेकिन मैंने आज कुछ कहा कि नहीं, मुझे आज ये शेज़वान सॉस पड़ा हुआ है तो इसको मैं एक अलग लेवल पे लेकर आऊँगी। तो ये बहुत मज़े का बना है और आप लोग ज़रूर ट्राई करें प्रॉन्स कढ़ाई, और मुझे कढ़ाई मसाला, प्रॉन्स कढ़ाई मसाला, ये बहुत मज़े का बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे ओवर दिस वीकेंड, वीकेंड भी करीब आ रहा है, और इन्जॉय कीजिएगा इसको। आप नान, चपाती, पराठा, पराठे के साथ तो बहुत मज़े का लगेगा, लेकिन गरम गरम नान जो होंगे ना इसका तो फ्लेवर ही कुछ और होगा, और डबल रोटी, कड़क डबल रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ इन्जॉय करें मेरे रेसिपीज़ को, मुझे मेम्बर्स प्लीज़ शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि दूसरे भी देख सकें, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली वो इन्जॉय कर सके, मेंबर बन सके मेरे, और मेरे खानों को मतलब अपने किचन में बना सकें, और अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर सके कि वो कैसा बना है। थैंक यू सो मच उन सबका जो मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया, और मेरे चैनल को बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप लोगों ने इतना सराहा है, और उम्मीद करती हूँ मैं इसी तरीके से आपके साथ चलती रहूँ और आप लोग को इसी तरह से नए नए खाने बना के दिखाऊँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।